हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल MVSN चैनल यानी महेश्वर ब्लॉगर शीतल नेगी चैनल। तो कैसे हैं आप सब? सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे भगवान की कृपा से। और आज है मंडे मॉर्निंग और मैं बना रही हूँ सब्जी, रोटी और रोटी के पोहे। रोटी के पोहे कुछ लोगों के लिए नया वर्ड होगा, लेकिन हमारे यहाँ निमाड़ में जो रोटी बासी बच जाती है ना, उसको सुबह मिक्सर में पीस के और उससे पोहे की तरह बघार लेते हैं, इसे कहते हैं रोटी के पोहे। तो बस मैं वही कर रही हूँ। कल 13 थी, प्रदोष का उपवास था, तो कल रोटी थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, बच गई थी, तो उसी को ही मैं फ्राई कर दूंगी। यानी इसे हम रोटी का कुस्कुरा बोलते हैं, रोटी के पोहे बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। तो एक तरफ मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी और एक तरफ बना रही हूँ रोटी बघरी हुई। तो यहाँ मेरे पास हरी मिर्ची ख़त्म हो गई है, तो मुझे याद आया कि लाल मिर्ची के टुकड़े हैं मेरे पास, तो मैंने चॉपर से प्याज तो चॉप कर ली थी और लाल मिर्ची के जो टुकड़े थे वो मैंने डाल के चॉप करने की कोशिश की कि हाँ हो जाए शायद, लेकिन लाल मिर्ची के टुकड़े नहीं हुए चॉप और इसकी बजाय प्याज और ज़्यादा बारीक हो गई। तो इसके लिए सब्ज़ी में तो ये प्याज चल जाएगी बारीक वाली, लेकिन जो रोटी के पोहे होते हैं उसमें ना थोड़ी मोटी मोटी प्याज अच्छी लगती है, जो कुरकुरी हो जाती है। और तो अभी और थोड़ी सी प्याज मैं काटूंगी, दो प्याज और। तो एक तरफ हम सब्जी का भी बघार तैयार कर लेते हैं और दूसरी तरफ रोटी के पोहे को भी बघार लगाते जाएंगे। और क्योंकि प्याज सिकने में टाइम लगेगा दोनों तरफ, तो जहाँ पहले प्याज सिक जाएगी उधर का मसाला पहले तैयार हो जाएगा। तो ऐसा करने से दो काम जल्दी होते हैं, दो गैस हैं, तो भगवान ने अगर मुझे 3-4 चूल्हे का गैस दिया होता तो मैं 4 काम एक साथ कर लेती। इस मतलब ऐसी मुझे हैबिट है, आदत है, कभी कभी ऐसे में नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सब्जी में जो प्याज सिक गई है उसके लिए मैं मसाला डाल रही हूँ, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लाए थे, उसके बाद से लहसुन लाए ही नहीं है, इसको ही पहले ख़त्म करेंगे। तो उसमें मैंने सूखे मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के और सब्जी फ्राई करनी है। ऐसा करने से मसाले जलते भी नहीं हैं, प्लस थोड़ा अच्छा सा मतलब सब्जी में एक अच्छे से ग्रेवी सी बन जाती है, और जो मिर्च होती है लाल मिर्च वो जलती नहीं और अच्छी तरी आती है सब्जी में। वैसे पत्ता गोभी की सब्जी सूखी बनेगी, उसमें पानी नहीं डलेगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है सब्जी लगेगी देखने में। और यहाँ पर मैंने कहा था कि मैं प्याज काट के डालूँगी ऊपर से, तो यहाँ मैं दो प्याज काट के डाल रही हूँ रोटी के कुस्कुरे में। और ये रोटी का कुस्कुरा सिर्फ हरी मिर्ची से भी बघारिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी हरी मिर्ची नहीं है, लाल मिर्ची से मैंने काम चलाया है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी। सेम टू सेम वैसे ही बनाते हैं जैसे आप पोहे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे रोटी है तो वो थोड़ी ज़्यादा मिर्ची लेती है, इसलिए हम लाल मिर्च डालते हैं। और सब्जी मैंने छोक लगा दी है, मतलब बघार दी है, तड़का लगा दिया है, अब इसे ढक के पकने देंगे, सब्जी हो गई है। और तब तक ये जो रोटी का भूसा है उसमें हम नमक, शक्कर और हल्दी डाल देंगे और इधर भी मसाला तैयार कर लेंगे। और इसमें जैसे हम पोहे में मिलाते हैं ना नमक, शक्कर, हल्दी, वैसे ही इसके रोटी के जो भूसा है उसमें मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करके और फिर इसमें डाल देंगे मसाले में। सूखे मसाले ही डालने हैं इसमें, कोई ग्रेवी वगैरह नहीं होगी, सिंपल से। लेकिन हाँ, एक बात और करती हूँ मैं यहाँ पे कि जब हम मसाले में रोटी का भूसा डाल के मिक्स करते हैं उसके बाद हम थोड़ी देर से होने देते हैं, सीजने देते हैं ना, तो ये कड़क कड़क हो जाती है, क्योंकि रोटी बासी होती है तो कड़क होती है और तेल में जाने के बाद और ज़्यादा कड़क हो जाती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क देती हूँ और फिर उसे ढक देती हूँ, तो इससे वो रोटी का जो भूसा होता है वो अच्छे से बफा जाता है और ऐसा कुरकुर नहीं लगता, वरना मुंह में ना वो जबान में, मसूड़ों में लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा नरम बनेगा। और यहाँ पे मैंने इमली को गला के रखा था तो उसका पेस्ट बना लिया है। अब इसको जो इमली का पेस्ट मैंने थोड़ा सा मिक्सी में चला लिया था, उसको मैं गुड़ डाल के और उबाल लूँगी, और उसमें ही थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर भुना हुआ और काला नमक और सिंपल सा नमक डाल के और अच्छे से उबलने रख दूँगी। जब ये इमली का पल्प अच्छे से उबल जाएगा तो इसे ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद इसे छान लेंगे, तो ये हमारा जो इमली का पल्प है वो तैयार हो जाएगा, इमली की चटनी कहते हैं जिसे। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर से तड़का लगा सकते हैं, वरना ये ऐसे ही अच्छी लगती है। और इसका क्या करेंगे हम, ये मैं आपको बताऊँगी शायद नेक्स्ट व्लॉग में। और ये जो रोटी का कुस्कुरा तैयार हो गया था उसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया है और बस इसे ढक देंगे। और मुझे लास्ट एंड में डालना था लेकिन मैं भूल गई थी, तो बस मैंने बाद में डाल के उसे ढक दिया है मिक्स करके। और यहाँ जो मिक्सर है मेरा, मिक्सर एंड जूसर है, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ कॉलिन से। वैसे तो इसको सिरके के पानी से
साफ़ करना चाहिए या सिंपल पानी हल्का सा गीला कपड़ा करके, लेकिन ये कॉलिन से ना ज़रा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बस मैं वही कर रही हूँ। वैसे ही ज़्यादा गंदा होता नहीं है, लेकिन जब ये बार बार चलता है तो कम से कम 15-20 दिन में एक बार इसको साफ ऐसे कर देती हूँ मैं कपड़े से, सभी दूर से, चारों तरफ से। आ गया है दुकान पे से, तो मैं उसके लिए फटाफट रोटी डाल देती हूँ, और ये धनिया पत्ती में काट के डालना भूल गई थी सब्जी में और कुरकुरे में, वो भी डाल देती हूँ और फटाफट रोटी डालते हैं। आजकल एक नियम मैंने बना लिया है, मतलब रोहित ने कहा है कि कुछ नियम ऐसे बनाने चाहिए जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सिखा सकें, तो फिर मैंने आजकल एक नियम बना लिया है उनके कहने पर। जब भी मैं खाना बनाती हूँ या रोटी डालती हूँ, तो सबसे पहली जो रोटी होती है वो निकाल कर उस पर सब्जी रख के या दाल चावल जो भी बनाया हो वो रख के और पानी घुमा के मैं गाय के लिए रखती हूँ, और उसके बाद जो बाकी रोटियाँ होती है वो हम खाते हैं, और लास्ट रोटी बिल्कुल छोटी सी बनाती हूँ ताकि वो कुत्ते को दी जाए। तो इस तरह उन्होंने कहा कि एक गाय की और एक कुत्ते की रोटी ज़रूर बनाया करो और निकाला करो। वैसे मैंने उनसे कहा कि जो लास्ट रोटी होती है वो तो मैं हमेशा ही नीचे रखती हूँ रोटी ठंडी होने के बाद में, तो वो हमेशा बाहर ही डालती हूँ कुत्ते के लिए या कोई भी खाए। ऐसा कोई नियम नहीं है क्योंकि कुत्ता हम ढूंढने कहाँ जाएंगे, ऐसे गाय की रोटी रखी रहती है तो इसे तो बाद में हम दे देंगे। तो बस इसी तरह पानी घुमाकर और गाय की रोटी गाय के नाम से निकाल कर पैर पड़ के और साइड में रख देते हैं, और बाद में जब भी गाय दिख जाती है तो दे देती हूँ। और ये कुछ ऐसे नियम हैं, मतलब हमारे किचन के, हमारे घर के, पूजा पाठ के कुछ ऐसे नियम होते हैं जो अगर हम नहीं सीखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी नहीं सीख पाएगी, और आने वाले समय में तो शायद किसी भी इंसान का कोई मोल नहीं रहेगा, तो जानवर तो बहुत दूर की बात है। तो बस रोहित ने इसलिए कहा कि कुछ नियम बनाओ जो हम भी फॉलो करें और हमारी आने वाली पीढ़ी भी फॉलो करे, क्योंकि मैं सास बन जाऊंगी और मेरी बहुएं आएंगी तो मैं क्या सिखाऊंगी उनको। तो बस वही कर रही थी, मतलब उनका ये कहना बिल्कुल जायज़ है, और उनकी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, मैं मानती हूँ। मेरी बहुत सारी बातें होती हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं वो मानते हैं, तो बस ऐसे ही घर चलता है। और इसके बाद भैया खाना खा के चला गया, मैंने गैस वगैरह पूरी तरह साफ़ कर दिया है, और यहाँ पे जो बर्तन इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे, क्योंकि सुबह से मैंने बर्तन ही नहीं मांजे हैं, चाय पानी वगैरह सब के, वो मांज के मैं रख रही हूँ। और रोहित आने वाले हैं, वो दुकान पे गए थे, भैया आया है, अब वो आएंगे, उससे पहले मैं सब बर्तन का काम करके रख दूँ, वरना वो आएंगे तो कहेंगे कि चलो खाना खाओ, और वो अकेले खाना नहीं खाते हैं। मैं अगर घर पे हूँ तो उनके साथ ही खाऊंगी, और नहीं हूँ तो फिर बात अलग है, या फिर उपवास हो और मैं पहले खा लूँ तो भी कोई टेंशन नहीं होता उनको, पर वो साथ में ही प्रेफर करते हैं खाना खाना, या फिर जब वो खाना खा रहे हों तो उनके पास बैठो, ये उनकी बहुत मतलब ऐसी आदत है कि अगर मैं घर में रहूं तो मैं उनको उनके सामने ही चाहिए खाना खाते वक्त, या फिर कुछ बात वगैरह करनी हो, वैसे तो टाइम बहुत ही कम मिल पाता है, तो इसलिए वो ऐसा कहते हैं और करते भी हैं। तो बस यहाँ पे वो आ गए हैं, मैं फटाफट बर्तन धो के और ये जो कपड़े हैं किचन के वो गला के जा रही हूँ, पहले मैं खाना खाऊंगी उनके साथ, उसके बाद इनको साफ़ करूँगी और फिर आगे के काम करेंगे।
खाना खाने के बाद, थोड़ी देर लेटने के बाद, चाय वाय बना के देने के बाद रोहित गए हैं भागवत करने, उनकी भागवत चल रही है। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर लेट के मोबाइल चला के अब कर रही हूँ शाम के काम, यानी 4 बजे के बाद के काम। तो मैंने बर्तन जमा दिए हैं और यहाँ कपड़े जो सूख गए थे, आज मैंने कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी, वो फोल्ड कर रही हूँ। जो कपड़े प्रेस करने के हैं उनको निकाल के रख दिए हैं। और मेरी एक गंदी सी आदत ये थी कि मैं कपड़ों में पैसे छोड़ देती हूँ, मतलब कपड़े चेक नहीं करती धोने के। तो ये जो पैसे हैं वो निकले हैं रोहित की जेब में से, और बाहर भी थोड़े कपड़े पड़े थे उनको भी फोल्ड करके रख देते हैं। और उसके बाद निकाल लूँगी मैं झाड़ू सभी कमरों की फटाफट। यहाँ मैं कर रही हूँ रोहित के सोले प्रेस। सोला और पंचा दो होते हैं कंधे पर डालने का और एक पहनने का नीचे, और बीच में कुर्ता पहनते हैं। तो उनको मैं प्रेस कर रही हूँ, और मैं हमेशा ऐसा नहीं करती हूँ, 2-4 दिन की मतलब गैप में ऐसा करती हूँ। और अभी बरसात का मौसम है तो प्रेस बाहर ही निकली हुई है, क्योंकि जो कपड़े होते हैं बरसात के वो पूरी तरह सूखते नहीं हैं, थोड़े ठंडे होते हैं, तो उनको प्रेस करके ही मैं रखती हूँ। ठंडे ठंडे कपड़े फोल्ड करके रखना मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कपड़ों में मतलब नमी रह गई तो मतलब स्मेल आएगी, तो इसलिए मैं प्रेस करके रख देती हूँ, तो स्मेल भी नहीं आती और सूख भी जाते हैं कपड़े जल्दी से। तो पिछले 5-6 दिन से यही कर रही हूँ मैं। 2-3 दिन पहले जब मैंने कपड़े वॉश किए थे तब भी ऐसा हुआ था, तो तब से ही प्रेस बाहर है और मैं यहीं पे बैठ के प्रेस कर देती हूँ फटाफट कपड़ों को। ये तो सिर्फ 2 पंचे हैं, मैंने एक बार तो घर के सारे कपड़े इसे मतलब प्रेस कर करके रखे, क्योंकि वो थोड़े से ठंडे ठंडे से गीले गीले से लगे मुझे, तो पूरे घर के कपड़े लेके बैठ गई थी मैं। तो बस तब से मुझे आदत पड़ गई प्रेस करने की। वैसे प्रेस में हमेशा बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में करती हूँ, कि भाई कहीं जाना हो किसी को, या मुझे कहीं जाना है और अचानक से ड्रेस पे प्रेस करना हो। ये कुर्ती जो मैं पहन रखी हूँ ये भी मैंने सुबह यहीं पर प्रेस करी थी। वैसे मैं घर में बिना प्रेस के कपड़े पहनती हूँ, लेकिन जब कैमरे के सामने आती हूँ या जब घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे प्रेस वाले कपड़े चाहिए, क्योंकि जो सल वाले कपड़े होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, कोई देखे कोई क्या कहे, और कैमरे के सामने भी इतना पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं प्रेस करके ही कुर्तियाँ पहनती हूँ। साड़ियों में तो पता नहीं चलता टेरिकॉट की होती है, लेकिन ये कुर्तियों में बहुत सल पड़ जाते हैं धोने के बाद, तो इसलिए मैंने सुबह प्रेस की थी। और क्योंकि 2 ही कपड़े थे तो प्रेस करते वक्त मैं देखिए 2 पैर पे बैठी हूँ, लेकिन बाद में जब खड़ी हुई हूँ तो इतने पैर दुखे हैं मेरे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, आज का व्लॉग। मेरे एक व्यूअर्स ने कहा था कि वो मेरा डेली रूटीन लिखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने आज का ये वीडियो स्पेशल उनके लिए बनाया है, श्रुति मंडलोई के लिए। वो मेरी भी फ्रेंड है, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं बहुत टाइम पहले से जानती हूँ उन्हें। तो श्रुति, ये ब्लॉग स्पेशल आपके लिए, क्योंकि डेली रूटीन देखना था आपको, तो थोड़ा सा मैंने दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आएगा। और इसके जस्ट बाद वो वाला वीडियो आएगा जो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, वो है अरबी की सब्जी, स्पेशल सब्जी जो चटनी के दिन मैंने बनाई थी ग्रेवी वाली। तो उस वीडियो को देखना, यानी नेक्स्ट व्लॉग को देखना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन अभी क्लिक कीजिए, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए। तो देखते रहिए मेरे वीडियो और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, मुझे आपके कमेंट पढ़ना, रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।